आज पूरा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली स्थित लाल किला से लेकर दूर दराज के गांवों तक लोग तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मना रहे हैं। आजादी के इस जश्न से कारोबार जगत भी अछूता नहीं है। देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी आज सोमवार को परिवार संग आजादी का त्योहार मनाते नजर आए। इस मौके पर अंबानी परिवार के सबसे छोटे सदस्य यानी मुकेश अंबानी के पोते पृथ्वी अंबानी के हाथों में भी तिरंगा नजर आया। अंबानी परिवार का एक वीडियो पोस्ट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और पोता पृथ्वी अंबानी तिरंगा फहराते दिख रहे हैं। मुकेश अंबानी ने अपने पोते को अपनी गोद में उठा रखा है, जबकि नीता अंबानी हाथों में तिरंगा लहरा रही है। वीडियो के अंत में नीता अंबानी पोते पृथ्वी को तिरंगा थमाती दिख रही है। बताया जा रहा है कि अंबानी परिवार कंपनी के कर्मचारियों के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा था। यह वीडियो उसी समारोह का है। देश की आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पिछले एक साल से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पूरे देश को शरीक करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का बड़े पैमाने पर असर देखा गया। आम से लेकर खास तक लोगों ने अपने अपने घरों में तिरंगा फहराया। मुकेश अंबानी का परिवार भी इस मुहिम से दूर नहीं रह पाया। अंबानी परिवार का घर एंटीलिया इस मौके पर तिरंगे के रंग में जगमगा गया। एंटीलिया के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि न सिर्फ अंबानी परिवार के घर को तिरंगे के रंग में सजाया गया है, बल्कि एंटीलिया के आसपास कुछ किलोमीटर तक सड़कों को दोनों तरफ से तिरंगे की रोशनी में नहलाया गया है। एंटीलिया की इस सजावट को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। अंबानी परिवार ने सजावट देखने आ रहे लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट आदि का भी बंदोबस्त किया। अंबानी परिवार के घर की इस सजावट को देख लोग वहां रुककर सेल्फियां लेने लग गए। बताया जा रहा है कि अंबानी परिवार के घर को स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए रात भर सजावट कर तैयार किया गया है।